जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट थर्ड के लेक्चर नंबर 8 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फोर्थ ईयर फिजिक्स के यूनिट थर्ड के लेक्चर नंबर 8 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा बीटाट्रॉन या इलेक्ट्रॉन त्वरितर। बीटाट्रॉन भी क्या है? भी एक प्रकार का त्वरितर है जिसका यूज किया जाता है पार्टिकल को त्वरित करवाकर उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि करने पर। अब क्या है भी इसकी बीटाट्रॉन की जरूरत क्यों पड़ी? भी हमारे पास क्या था? वो एक तो था रैखिक त्वरितर था, लीनियर एक्सेलरेटर, उसके बाद में साइक्लोट्रॉन था और सिंक्रो साइक्लोट्रॉन भी था। बट साइक्लोट्रॉन और सिंक्रो साइक्लोट्रॉन के अंदर हम उच्च ऊर्जा तो प्राप्त कर सकते थे, बट वहां पे क्या है भी अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन पार्टिकल और न्यूट्रॉन पार्टिकल को ही क्या है भी फाइंड की गति अधिकतम गति ऊर्जा प्राप्त कर सकते थे, बट वहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो ये जो आपका त्वरितर है इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने में। और जो इसको बताया भी सन 1940 के अंदर कसर्ट नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉनों की 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉनों की क्या है भी 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक क्या है भी उच्च ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है और जिसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है उस त्वरितर को बोलते हैं भी बीटाट्रॉन बोलते हैं। क्या होता है भी बीटाट्रॉन एक ऐसा त्वरितर है जिस त्वरितर के अंदर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या है भी 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक प्राप्त की जा सकती है। ये तो हो गया भी आपका इस त्वरितर के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करते हैं भी इसका जो सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत भी बीटाट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बीटाट्रॉन क्या है भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है भी? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। भी ये जो बीटाट्रॉन का सिद्धांत है किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, अब क्या है भी इस सिद्धांत के अंदर क्या बताता है भी किसी बंद परिपथ के अंदर, किसी बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। भी किसी बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये आपने क्या है भी रिलेशन आपने कभी पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब क्या बताता है भी जब इस बंद परिपथ के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन क्या है भी गति करता है तो वो क्या है भी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या होता है भी त्वरित तो होता है। भी ये बताता है भी जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या है भी इस बंद पथ के अंदर गति करता है तो वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा क्या होता है भी त्वरित होता है। कहने का मतलब फैराडे जो इसका सिद्धांत है बीटाट्रॉन का, वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है भी कार्य करता है। और ये डेफिनेशन पढ़ी होगी भी किसी बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। भी किसी बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्या होती है भी बराबर होती है, E=-dΦ/dt। और यहाँ पे जब कोई इलेक्ट्रॉन इस बंद पथ के अंदर स्थित है तो वह प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा क्या होता है भी त्वरित तो होता है। अब ये तो हो गया भी इसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा और इसके द्वारा क्या है भी 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या है भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अब डिस्कस करते हैं भी अपने
उपकरण पर भी बीटाट्रोन के अंदर के भी एक वल्याकार आकृति या डोनट, ठीक है, डोनट है आप इस प्रकार की, जो टॉफी सी नहीं आती क्या ये, इस प्रकार का जो, या आप मान सकते हो जो ट्यूब होती है, ट्यूब टायर वाली ट्यूब, ठीक है, ट्यूब होती है उस प्रकार का होता है, ठीक है, टायर की ट्यूब हो गई, ठीक है भी, इसके अंदर क्या होता है भी, एक वल्याकार आकृति का डोनट होता है और उस डोनट के दोनों ओर विशिष्ट, उस डोनट को क्या है भी, विशिष्ट आवृत्ति के या विशिष्ट आकृति के चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखा जाता है और उन चुंबकीय ध्रुवों को प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति 50 से लेकर 200 हर्ट्ज की आवृत्ति देकर उनको क्या है भी चुंबकित किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है भी वहां पे प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है भी बोनट के केंद्र जो ओ पर क्या होता है भी मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र है वो दो प्रकार के कार्य करता है। फर्स्ट कार्य क्या करता है भी, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के द्वारा, ठीक है, प्रेरित वो कण को क्या है भी त्वरित करवाने का काम करता है भी, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करवाने का काम करता है। और दूसरा ये बताता है भी, दूसरा सिद्धांत क्या कार्य करता है भी, ये इलेक्ट्रॉनों को स्थायी वर्ताकार कक्षा में गति करने के लिए क्या है भी मजबूर करता है भी, इलेक्ट्रॉन क्या है भी एक स्थायी वर्ताकार कक्षा में ही क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। अब इसका जो डायग्राम देखते हैं भी, दोनों के बारे में एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करवा दूं, भी बीटाट्रोन के अंदर एक वल्याकार डोनट आकृति का क्या होता है भी आकृति होती है, डोनट आकृति का भी कोई ट्यूब मान लो, ठीक है। इस डोनट आकृति को चुंब के विभिन्न या अलग अलग आकार के चुंब के क्षेत्रों के बीच में रखा जाता है और इन चुंब के क्षेत्रों को प्रत्यावर्ती विद्युत आवृत्ति 50 से लेकर 200 हर्ट्ज की आवृत्ति देकर इनको क्या है भी चुंबकित किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मान डोनट के केंद्र ओ पर क्या होता है भी मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब जो प्रत्यावर्ती चुंबक क्षेत्र यहाँ पे दो प्रकार से वर्क करता है, एक तो क्या होता है भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित करवाता है, दूसरा क्या बताता है भी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या है भी इलेक्ट्रॉनों को वर्ताकार दिशा में गति करने के लिए क्या करता है भी मजबूर करता है। अब देखिएगा भी इसका जो आकृति होगी वो किस प्रकार से होगी, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपका एन ध्रुव हो गया, ये आपका एस ध्रुव हो गया, ये आपका निर्वात पंप हो गया और ये आपके इलेक्ट्रॉन गन हो गए और ध्रुव की डायरेक्शन क्या होती है भी N से लेके S ध्रुव की ओर, इस प्रकार का होता है भी आपका। पटलित
स्टील से बने चुंबकीय दोलन। ठीक है, इसके बीच वाली स्ट्रक्चर हम दर्शाएंगे आपको यहां से स्पष्ट रूप से। हमने क्या भी बताया भी यहां पे क्या है भी दो क्या है भी स्टील से बनी चुंबकीय ध्रुव होते हैं या चुंबक होती है जो विशिष्ट आकृति की होती है और इसके अंदर जो ध्रुव के डायरेक्शन होगे वो क्या होती है भी एन ध्रुव से लेके एस ध्रुव की ओर होती है। भाई मिस्टेक गलत लिख दिया हमने, एन ध्रुव से लेके और एस ध्रुव की तरफ होती है और इसके अंदर क्या होता है भी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, यहां पे क्या बनेगा डायग्राम, इसके अंदर क्या है भी एक दिखाई दे रहा हो, सही दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है भी एक डोनट आकृति का डोनट आकृति का क्या होता है भी गोलाकार आकृति होती है और इसको क्या है भी दोनों चुंबकों के मध्य रखा जाता है। यहां पे क्या होता है भी निर्वात पंप होता है, यहां पे यहां से जुड़ी क्या होती है भी आपकी इलेक्ट्रॉन गन होती है भी। ये जो बॉक्स होता है इन दोनों चुंबकों के क्या होता है भी मध्य होता है और इसके अंदर क्या है भी एक स्थायी वृत्ताकार त्रिज्या के अंदर ये कोई क्या हो गया भी आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है भी इस बंद परिपथ के अंदर क्या होता है भी त्वरित होता है और यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या है भी हमें बाहर निकाल लेते हैं। ये हो गया भी आपका टारगेट न्यूक्लियन, टारगेट इलेक्ट्रॉन भी एक ट्यूब होती है, ट्यूब हो गई ना आपने अपने उसके अंदर बंद परिपथ हो गया उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है भी त्वरित होता है। अब यहां तक तो हो गया भी आपका निर्वात माध्यम हो गया, इसके अंदर ये ट्यूब होगी, इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे, यहां पे दो चुंबक रख दी, इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है इसके बारे में भी हम क्या है भी डिस्कस कर लेते हैं, चल रहे हैं तो साथ साथ में उसके बारे में भी डिस्कस हो जाए। इलेक्ट्रॉन गन क्या है भी इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करती है भी, इलेक्ट्रॉन गन नाम से ही है भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भी उत्सर्जित होते हैं। किस प्रकार की रूपरेखा होती है इलेक्ट्रॉन गन की वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं भी। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या होता है भी एक तप्त धातु का फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रॉनों के अंदर क्या है भी तप्त धातु का फिलामेंट होता है, एक क्या होता है भी तप्त धातु का क्या होता है भी फिलामेंट होता है जिसको क्या है भी इस फिलामेंट को ये क्या हो गया भी तप्त धातु का फिलामेंट हो गया। नेगेटिव और पॉजिटिव ये क्या हो जाता है इसका कैथोड हो जाता है और यहां पे ठीक है। देखिए अगर हम आपको समझा देते हैं इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है भी एक तप्त धातु का क्या होता है भी इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या है भी एक तप्त धातु का एफ क्या होता है भी फिलामेंट होता है। ये यहाँ पे क्या है भी बैंट्री जोड़ दी गई है भी, यहाँ पे क्या हो गई भी अभी ये डबल बैंट्री होगी ठीक है और बैंट्री का नेगेटिव सिरा क्या है भी इस यहाँ पे हो गया, ये पॉजिटिव सिरा हो गया तो ये तो काम किसका करती है भी आपका
कैथोड का काम करती है, ये काम क्या करता है व्यापक का, एनोड का काम करता है। भी यहां पे क्या है व्यापक का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इनके ये क्या लगी हुई है, भी स्लिट लगी हुई है, जिनके मध्य से क्या है भी एक बार में क्या है भी एक ही इलेक्ट्रॉन क्या है बीच से बाहर निकल सकता है। तो तब तो धातु का फिलामेंट होता है जिससे यहां से कैथोड से क्या होते हैं भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो होते हैं, ठीक है। और यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो ये जो पॉजिटिव है इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, बट इस छिद्र में से क्या है भी कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है भी बाहर निकल जाते हैं, एक बार में से क्या है भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होता है। जितनी ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त करें उतनी ही ऊर्जा क्या है भी यहां पे बैटरी को दे देते हैं। भी इसके अंदर क्या होता है भी तप्त धातु का एफ फिलामेंट होता है, यहां से बैटरी का भी कैथोड हो गई, ये क्या होगी भी एनोड प्लेट होगी। तो तप्त धातु का फिलामेंट किस कैथोड के नजदीक रखते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है भी उत्सर्जन होता है, और ये इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या स्लिट S1 S2 S3 से क्या है भी बाहर निकलते हैं। बिस्लिट S1 S2 के भी पॉजिटिव है, बट इसके बीच में भी एक क्या है भी बारीक छिद्र होता है, तो और सारे इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे प्रतिकर्षित हो जाएंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन क्या है भी इससे क्या है भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा बाय मिस्टेक से आपको क्या बता दिया अभी मैंने, भी एक तब धातु का है फिलामेंट होता है, ठीक है, और यहां से क्या होता है भी नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया भी पॉजिटिव हो गया, और तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या भी स्लिट क्या करती है भी आकर्षित करती है अपनी तरफ, भी सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या भी सॉरी प्रतिकर्षित नहीं करेगी, इनको क्या करेगी भी आकर्षित करेगी, और यहाँ पे छिद्र होने के कारण क्या भी कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है इससे बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या भी आपका इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होता है। अब देखिएगा वैसे क्या भी हमें इलेक्ट्रॉन पुंज के अंदर थोड़ी जल्दी कर ली, और वैसे क्या भी इसका जो इलेक्ट्रॉन गन क्या भी अपना एक अलग से टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर इसको पूरी व्याख्या को क्या भी अलग से डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा भी इलेक्ट्रॉन गन हो गया, यहां से क्या भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब इसके अंदर ये तो हो गया भी इसका उपकरण हो गया, इलेक्ट्रॉन गन हो गई भी इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने का काम करती है, और इसके अंदर ट्यूब हो गई, इसके अंदर क्या है भी इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करवाते हैं, और इस पूरे को क्या है भी निर्वात माध्यम के अंदर रखा जाता है, और इसको क्या है भी दो क्या है भी विभिन्न आकृति के चुंबकीय ध्रुव है उनके मध्य क्या है भी रख देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बीटाट्रॉन प्रतिबंध के बारे में, बीटाट्रॉन प्रतिबंध के बारे में, बीटाट्रॉन प्रतिबंध के बारे में क्या बताता है भी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भी ये मान लो आपका चुंबकीय क्षेत्र है बी, और ये क्या है भी आपका समय टी है। यहां पे क्या होता है भी जब इसको क्या देते हैं भी इसको क्या इन चुंबकों को क्या है भी 50 से लेके 200 हर्ट्ज की क्या है भी प्रत्यावर्ती आवर्ती देते हैं, तो वहां पे क्या है भी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है भी उत्पन्न हो जाता है, जो क्या होता है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है भी इसके अंदर परिवर्तित होता है। तो वो इस प्रकार से मानिएगा
विचुंब के क्षेत्र का मान क्या है भी इस प्रकार से टाइम के साथ क्या होता है भी परिवर्तित होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया भी आपका टी वाई फोर हो गया, ये क्या हो गया भी टी वाई टू हो गया, और ये क्या हो गया भी आपका टी हो गया। ठीक है, यहां से त्वरण नाम लिखा गया भी इसके अंदर क्या होता है भी त्वरित तो होता है। अब कहने का मतलब ये हो गया भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है भी इस प्रकार से क्या होता है भी परिवर्तित तो होता है बीटा ट्रोन के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यावर्ती आवर्त इन भी चुंबकीय ध्रुवों को क्या है भी प्रत्यावर्ती आवर्ती देते हैं 50 से लेकर 200 हर्ट्ज तक, तो वहां पे क्या है भी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है भी उत्पन्न हो जाता है। और जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पुंज अंतर शिफ्ट करता है, जब इसके अंदर जब टी बराबर जीरो कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन पुंज का अंतःक्षिप्त होता है भी इसके अंदर इंटर करता है, तो वो क्या बताता है भी शुरुआत के अंदर भी इलेक्ट्रॉन पुंज के भी इसके अंदर इंटर करता है तो शुरुआत के अंदर के भी चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या हो जाती है भी वृद्धि होती है। और जब चुंबकीय क्षेत्र के मान में मैक्सिमम होने के बाद उसके में क्या है भी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होती है भी कमी होती है। ठीक है, फिर क्या है भी कमी होती हुई जाती है, फिर थोड़ी वृद्धि होती है, इस प्रकार से होता है भी। क्या बताता है भी जब इलेक्ट्रॉन पुंज का क्या है भी टी बराबर जीरो के अंदर क्या है भी वो इंटर करता है, तो स्टार्टिंग के अंदर चुंब के क्षेत्र के मान में क्या होती है भी वृद्धि होती है, और बाद में मैक्सिमम होने के बाद क्या भी चुंब के क्षेत्र के मान में क्या हो जाती है भी कमी हो जाती है। तो ये बताता है भी चुंबकीय जीरो से लेके टी वाई फोर पार्ट के अंदर, जीरो से लेके टी वाई फोर पार्ट के अंदर चुंबकीय फ्लेक्स के मान में क्या होती है भी वृद्धि होती है। और जब चुंबकीय फ्लेक्स के मान में वृद्धि होती है तो वहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल मान लो क्या है भी माइनस डी फाई अपॉन डीटी है। जब क्या है भी जीरो से टी वाई फोर के मध्य चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होती है भी वृद्धि होती है, उस कंडीशन के अंदर मान लो क्या है भी प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है भी आपका माइनस डी फाई अपॉन डीटी है। तो अतः इलेक्ट्रॉन पर प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा बल, अतः भी ये क्या बताता है भी जीरो से लेके टी वाई फोर तक क्या है चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि होती है, तो वहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है माइनस डी फाई अपॉन डीटी उत्पन्न हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण लगने वाला बल अतः इलेक्ट्रॉन पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा कारण लगने वाला बल वो क्या हो जाएगा भी F इक्वल टू क्या होता है भी आपका QE होता है। Q यहाँ पे क्या है भी आपका चार्ज है, वो क्या है भी आपका इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस E हो जाएगा। क्लियर, E यहाँ पे क्या है भी आपका विद्युत क्षेत्र है, E क्या होता है भी आपका F अपॉन Q होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और एक यूनिट क्या होती है भी आपकी वोल्ट प्रति मीटर होती है। तो यहाँ पे वोल्ट क्या है भी यहाँ पे विभवांतर है, वो विभवांतर प्रेरित विद्युत वाहक बल एक विभवांतर ही होता है, वो क्या होता है भी आपका डी फाई अपॉन डी टी है। एकांक लंबाई पर विभवांतर मान लो क्या अभी माइनस डी फाई अपॉन डी टी है, तो माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ये है और ये एकांक लंबाई के ऊपर मान लिया तो विद्युत वाहक बल आ गया, तो ये क्या आ जाएगा भी आपका F इक्वल टू E डी फाई अपॉन डी टी। हाँ, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भी यहाँ पे एकांक लंबाई क्यों मान लिया भी, एकांक लंबाई के ऊपर मानना है, जब साइक्लोट्रॉन का सॉरी बीटाट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे ना तो इस रिलेशन को क्या भी अपने अच्छे से सेटिस्फाई करेंगे। अभी इसके अंदर ये थोड़ा आपको बता दिया
और यहाँ पे क्या, अभी लंबाई वाला कंसेप्ट ले लेंगे तो आप क्या होंगे, भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण लगने वाला बल क्या हो गया, अभी ई डी फाई अपॉन डी टी हो गया। और यह बल जो लगता है बी, यह बल जो इलेक्ट्रॉनों की क्या है बी, गतिज ऊर्जा में, यह बल जो क्या है भी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में क्या करता है भी वृद्धि करता है। तो यहां से लेके जीरो से लेके टी वाई फोर तक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में क्या होती है भी वृद्धि होती है, और बाद में क्या होती है भी कमी होती है। विचुंब के क्षेत्र का मान क्या होता है भी कम होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में क्या होती है भी कमी होती है। ठीक है, तो इस जो कमी होती है ना, इसके लिए क्या है भी आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक त्वरित करवाते हैं, बाद में इलेक्ट्रॉनों को क्या है भी हटा लेते हैं भी, इस प्रकार का सेटअप बॉक्स तैयार किया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या है भी वहाँ से हट जाते हैं, जीरो से लेके टी वाई फोर अंतराल तक ही क्या होते हैं भी त्वरित करवाते हैं, बाद में क्या है भी सेटअप बॉक्स से क्या है भी उसको हटा लेते हैं। तो ठीक है, अब देखिएगा भी उससे आगे बीटाट्रॉन प्रतिबंध निकालते हैं भी, इलेक्ट्रॉनों का क्या है भी जीरो से लेकर टी वाई फोर अंतराल तक ही क्या है भी त्वरित करवाते हैं, बाद में क्या है भी चुंब के क्षेत्र का मान घटना स्टार्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या है भी में कमी होती है, और इस कमी को दूर करने के लिए क्या है भी हमें जीरो से लेकर टी वाई फोर तक ही त्वरित करवाते हैं, बाद में क्या है भी इसको हटा लेते हैं इलेक्ट्रॉनों को। माना इलेक्ट्रॉनों के स्थाई पथ की त्रिज्या आर जीरो, कहने का मतलब क्या बताता है भी आपको भी, इसके अंदर प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या है भी बीटाट्रॉन के अंदर क्या है भी इलेक्ट्रॉन एक स्थाई कक्षा में गति करते हैं। कौन सी कक्षा में गति करते हैं, एक स्थाई कक्षा में गति करते हैं। तो माना इलेक्ट्रॉनों के स्थाई पथ की त्रिज्या क्या है भी आर जीरो है, और उस टाइम के ऊपर चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या है भी उस टाइम के ऊपर चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या है भी आपका फाई है। तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, देखिएगा अभी उस कंडीशन की बात करता है भी, मानना कि अभी इलेक्ट्रॉनों के स्थायी पथ की त्रिज्या क्या मान लो भी आपकी आर जीरो है, और उस कंडीशन के अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई है, तो वहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को क्या है भी फोर्स निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल तो ये आ गया, फोर्स क्या होता है भी आपका F इक्वल टू क्यू ई, भी पहले वाले इक्वेशन के अंदर हमने फाइंड किया था F भी इस फोर्स के कारण क्या होते हैं भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भी त्वरित तो होंगे। F इक्वल टू क्या है भी आपका क्यू ई है, क्यू यहाँ पे क्या है भी आपका आवेश है, ई यहाँ पे क्या है भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है भी ई इक्वल टू क्या होती है भी एफ अपॉन क्यू होती है, एक तो यूनिट होती है भी न्यूटन प्रति कूलाम, और एक यूनिट होती है भी आपकी वोल्ट प्रति मीटर, दोनों को हमने क्या भी सेटिस्फाई कर सके किया है भी न्यूटन प्रति कूलाम इक्वल होती है वोल्ट प्रति मीटर के। अब तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या किसके बराबर होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रति मीटर किसके बराबर हो जाएगी, यहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रति मीटर। अब क्या है भी उससे आगे हम देखते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रति मीटर क्या हो जाएगा भी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिएगा भी उससे आगे अब
अब क्या है भी हम उससे आगे देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इक्वल टू प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रति मीटर। ये था ना अपना भी, ये क्या था भी आपका, वो डोनर था, और यहाँ पे क्या है भी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है भी, एक स्थायी वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, और ये रेडियस आर जीरो थी, तो ये दूरी क्या हो जाएगी भी आपकी, टू पाई आर जीरो। तो टू पाई आर जीरो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है इस कंडीशन के अंदर, माइनस टी फाई अपॉन डी टी। यही डाउट था वहां पे, ये क्लियर हो गया आपका। तो यहां से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्स क्या होगा अभी इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, F इक्वल टू क्यू ई। एफ क्या है भी, क्यू क्या है भी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बी, ये प्राप्त हुई है माइनस टू पाई आर जीरो डी फाई अपॉन डी टी। तो ये क्या हो जाएगी भी आपकी, ई अपॉन टू पाई आर जीरो डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। ये चीज आ गई आपकी, ई अपॉन टू पाई आर जीरो डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका। अब उसके बाद में क्या है भी, उससे आगे हम डिस्कस करते हैं ये तो हो गया भी, इस प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार से वर्क करता है। एक तो क्या होता है भी, इस बल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित करवाने का काम करता है। दूसरा क्या होता है भी, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को स्थायी कक्षा में गति करवाने के लिए हवी केंद्रीय बल भी प्रदान करता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है भी, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, तो वो चुंबकीय बल के क्या होगा भी, बराबर होगा। और भी ये तो हमने पता ही है भी, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से आरोपित किए जाते हैं कि वो डोनेट के क्या है भी, डोनेट के अंदर जो कण की गति है उसके ऊपर क्या रहे भी, लंबवत रहे, और जिसके कारण क्या भी, पार्टिकल वर्ताकार गति करते रहे। तो चुंबकीय बल क्या हो जाएगा भी, ये ही होता है क्यू इक्वल टू वी क्रॉस बी, और बी और बी क्या है बी परस्पर लंबवत है, तो क्यू वी बी हो जाएगा। और आवेश के भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ई वी बी और एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, रेडियस क्या माननीय है भी अपने, आर जीरो माननीय है। तो वी से वी कैंसिल आउट, तो एम वी अपॉन आर जीरो ई बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एम वी इक्वल टू ई बी आर जीरो हो जाएगा, एम वी इक्वल टू ई बी आर जीरो हो जाएगा। अब ये क्या बताता है भी, चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि करने पर वेलोसिटी के मान में क्या होती है भी, वृद्धि होती है। क्या चीज अपने सामने आई भी, चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि करने पर भी, यहां पे क्या है भी, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है भी, कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है भी, कॉन्स्टेंट रहता है। आर जीरो क्या है भी, एक स्थाई कक्षा की त्रिज्या है, तो यहां पे बी क्या आता है भी, बी के मान में वृद्धि करने पर चुंबकीय, सॉरी, बी के मान में वृद्धि करने पर वेग के मान में वृद्धि होती है, और जब वेग बढ़ेगा तो क्या है भी, उसकी गतिज ऊर्जा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, वेग बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर है अब तक? अब देखिएगा भी, यहां से आगे समवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, dp अपॉन dt। dp अपॉन dt क्या हो जाएगा भी आपका, यहां पे नीचे लिख तो काम आ जाएगा, dp अपॉन
डी टी। तो डी अपॉन डी टी, पी क्या है भी आपका एम वी, और डी अपॉन डी टी एम वी क्या है भी आपका ई बी आर जीरो, और यहाँ पे ई आर जीरो क्या है भी कांस्टेंट है, ओनली क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है भी चेंज होता है डी बी अपॉन डी टी, ई आर जीरो डी बी अपॉन डी टी आ गया। और ये डी पी अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है भी संवेग में मान में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है भी आपकी फोर्स के बराबर होती है भी। एम यहाँ पे कांस्टेंट है, डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा भी आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू एम ए आपका क्या आ जाएगा भी त्वरण आ जाएगा। ठीक है, ये तो होता ही है। अब दोनों के प्रतिबंधों से एक तो ये रिलेशन प्राप्त हुआ है और एक रिलेशन ये प्राप्त हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भी आपका ई आर जीरो डी बी अपॉन डी टी और ई टू पाई आर जीरो डी फाई अपॉन डी टी। ई से ई कैंसिल और आपका डी फाई अपॉन डी टी क्या आ जाएगा टू पाई आर जीरो स्क्वेयर डी बी अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी क्या आ जाएगा भी टू पाई आर जीरो स्क्वेयर डी बी अपॉन डी टी। ये क्या कहलाता है भी आपका बीटाट्रॉन प्रतिबंध कहलाता है। ये क्या कहलाता है भी आपका बीटाट्रॉन प्रतिबंध। देखिएगा अभी अपन थोड़ा स्पीड से अंदर ज्यादा चल रहे थे, एक बार मैं आपको और बता दूं भी बीटाट्रॉन एक प्रकार का ऐसा त्वरितर होता है जिसका यूज किया जाता है पार्टिकलों की वेलोसिटी को इंक्रीज करने में। ठीक है, बीटाट्रॉन क्या होती है भी एक प्रकार का त्वरितर होता है जिसका यूज किया जाता है भी पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज करने में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। अब इसके अंदर के भी इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया जा सकता है जिनकी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपका। अब क्या होता है भी ये जो होता है वो क्या है भी जो त्वरितर होता है वो क्या है भी फिराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है भी फिराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। और उसके अंदर क्या होता है भी किसी बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ठीक है, किसी बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या है भी बराबर होती है भी। ये जो ट्यूब होती है अपनी वो क्या हो गया भी आपका बंद परिपथ हो गया, और उसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर होगी वो क्या होगी भी प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये अपने बताया गया अभी किस प्रकार से क्या है चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है और किस प्रकार से वहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो अपनी अलग बात है, बट ये कंसेप्ट क्या है भी वहाँ पे किसी लेक्चर के अंदर आएगा तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब वहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो यदि वो कण है ना उस ट्यूब के अंदर स्थित है या बंद परिपथ के अंदर स्थित है तो वहाँ पे क्या है भी उसको त्वरित करवाने का काम करता है। यदि वो कण क्या है भी उस ट्यूब के अंदर स्थित है या इलेक्ट्रॉन तो उसको क्या भी प्रेरित विद्युत वाहक बल त्वरित करवाने का काम करता है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब क्या होता है भी इसका जो उपकरण होता है किस प्रकार से होता है, उपकरण क्या होता है भी इसके अंदर के भी एक डोनट आकृति का, ठीक है, डोनट मतलब एक ट्यूब जैसी आकृति का क्या होता है भी एक आकार होता है, इसको क्या भी स्टील से बने चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। ठीक है, वो डिफरेंट आकृति के बने होते हैं, इस प्रकार से बनाए जाते हैं भी जो डोनेट के अंदर जो कण गति करे उसके ऊपर क्या भी चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अप्लाई हो, और यदि किसी कण की गति के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे क्या है भी कण क्या है भी वर्ताकार दिशा में गति करता है। ये कंसेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर ट्यूब होता है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, और इन चुंबकीय क्षेत्रों को है ना भी चुंबक के क्षेत्र होता है उनको क्या है भी प्रत्यावर्ती आवर्ती दी जाती है 50 से लेकर 200 हर्ट्ज की, जिसके कारण क्या होता है वहां पे प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है भी डोनेट के केंद्र पर क्या होता है भी मैक्सिमम होता है, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र भी टाइम के साथ क्या हो जाता है भी चेंज होता जाता है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता जाता है भी चेंजेबल होता जाता है। मीन्स क्या होता है भी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है भी चेंज होता है इस बीटाट्रॉन के अंदर, क्लियर है। अब यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र है दो प्रकार से वर्क करता है, एक तो क्या है भी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा प्रेरित विद्युत वाहक भी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स के कारण क्या भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण फोर्स निकालेंगे, वो फोर्स क्या भी कण को त्वरित करवाने का काम करेगा। तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का एक रोल हो गया, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र फर्स्ट कड़ी, सेकेंड कड़ी क्या भी चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स के बाद थर्ड कड़ी क्या है भी प्रेरित विद्युत वाहक बल, और प्रेरित विद्युत वाहक बल के बाद फोर्स एक ही कड़ी से जुड़े हुए हैं, तो फोर्स यहाँ पे क्या है भी कण को त्वरित करवाने का काम करेगा, त्वरित मीन्स उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करवाने में, और वेलोसिटी मीन्स उसका वेलोसिटी मीन्स क्या हो जाएगा उसकी कण की ऊर्जा को इंक्रीज करवाने में। दूसरा क्या होता है भी वहाँ पे प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या है भी उसको भी कण को स्थायी कक्षा में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल भी प्राप्त करता है भी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या भी चुंबकीय बल होगा, और चुंबकीय बल क्या होता है भी अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, और चुंबकीय बल इस प्रकार से लगाया जाता है भी वो कण की गति के क्या है भी लंबवत लगे, जिसके कारण क्या भी वो वृत्ताकार दिशा में क्या करता है भी गति करता है। क्लियर है यहाँ तक आपका? अब इसका सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत क्या होता है भी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है भी अपना मान चेंज होता हुआ जाता है, इस प्रकार से ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है भी उसका मान चेंज होता है। स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है जीरो से लेकर टी वाई फोर अंतराल तक चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है भी इंक्रीज होता है, फिर क्या हो जाता है भी मैक्सिमम हो जाता है, फिर क्या हो जाता है भी घटना 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 घटना, फिर थोड़ा सा इंक्रीज और फिर क्या भी घटना, इस प्रकार से स्टार्ट होता है। तो हम अपने कभी इतना मान उसका भी नहीं घटाते हैं भी जीरो से लेकर टी वाई टू फोर तक ही क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र के मान को इंक्रीज करते हैं, और उसके बाद में है ना उसको वहां से इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार का सेटअप बॉक्स तैयार किया जाता है भी हटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में क्या है भी इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा भी कम होगा, तो अपने को क्या है भी गतिज ऊर्जा वेग को क्या भी बढ़ाना है, कम करके क्या करना है, यदि कम ही करना हो तो इन त्वरितों का उपयोग क्यों करते हैं अपने। तो यहाँ पे ये बात था चुंबकीय क्षेत्र का E कांस्टेंट और R0 कांस्टेंट और M कांस्टेंट फैक्टर किसका, V का और इसका B का, जब B इंक्रीज तो V इंक्रीज, चुंबकीय क्षेत्र इंक्रीज तो V इंक्रीज, वो ही बात यहाँ पे आ गई, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान इंक्रीज होगा तो वहां पे वेग इंक्रीज होगा, तो आगे वाले फैक्टरों को हटा देते जीरो से लेकर टी वाई फोर तक ही लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है बी ये मानो भी किसी समय पर उसके चुंब उस वृत्ताकार कक्षा की वो त्रिज्या क्या है भी वो आर जीरो मानो, उस कंडीशन के अंदर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ मानो अपना फाई मानो भी, उस कंडीशन के अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या मानो भी फाई मानो, तो वहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा भी माइनस डी फाई अपॉन डी टी होगा, क्या होगा भी डी फाई अपॉन डी टी होगा। अपने को क्या भी फोर्स निकालना है प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो गया, चुंबकीय फ्लक्स से क्या भी प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लिया, ये स्टेप थी अभी अपने। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है भी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, ये वोल्ट प्रति मीटर के बराबर होता है, तो ये क्या हो गया अभी प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रति मीटर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा दी, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी माइनस डी फाई अपॉन डी टी, मीटर क्या है भी उसकी जो वर्ताकार कक्षा की त्रिज्या वो परिधि मान लो टोटल लंबाई वो टू पाई आर जीरो हो गई, और यहाँ पे क्या है भी इसको फोर्स के अंदर क्या है भी पुट कर दिया, और ये क्या है भी फोर्स की वैल्यू प्राप्त कर दी। यहाँ तक क्लियर है आपका? E अपॉन टू पाई आर जीरो डी फाई अपॉन डी टी। अब क्या होता था ये फोर्स आ गया, दूसरी कंडीशन क्या हो गई भी ये फोर्स हो गया अभी फर्स्ट प्रतिबंध भी फर्स्ट कंडीशन पड़ी थी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या भी कण को क्या भी त्वरित करवाने का काम करता है जीरो से लेकर टी वाई फोर अंतराल तक त्वरित होता है, तो अपने को क्या है भी अपने ये ही निकाल लिया, बाद का मैटर नहीं है अपना। अब क्या होता है भी
अब इसको क्या भी मैग्नीट्यूड ले लिया, अभी चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। यहाँ से इसको सोल्व किया तो ये आ गया, और इसको क्या भी संवेग में मान में परिवर्तन की दर क्या होती है, अभी फोर्स के बराबर होती है। तो एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी निकालिया, पी क्या है भी आपका एम वी है, तो एम वी की वैल्यू पुट कर दी ई बी आर जीरो, तो ई आर जीरो बाहर निकाल लिया, डी बी अपॉन डी टी हो गया। अभी ई आर जीरो कॉन्स्टेंट है, बी का मान क्या होता है अभी परिवर्तित होता है, और दोनों का क्या है भी बराबर रख दिया। तो ये जो रिलेशन आ गया वो बीटाट्रॉन प्रतिबंध आ गया, डी फाई अपॉन डी टी टू पाई आर जीरो स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी, ये आ गया भी आपका बीटाट्रॉन प्रतिबंध। अब जो कल वाले लेक्चर यहाँ तक हो गया, बीटाट्रॉन प्रतिबंध का यूज करेंगे और कल वाले लेक्चर के अंदर ज्ञात करेंगे भी बीटाट्रॉन की क्या होती है, भी जो ऊर्जा होती है वो किन किन फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करती है, ये डिस्कस करेंगे अभी हम कल वाले लेक्चर के अंदर। आज के लिए आपके लिए इतना ही।